नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ये उपाय बहुत छोटा है लेकिन सोच समझ के करने के लायक है। जो भी आपका काम होगा वो बहुत जल्दी पूरा होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जैसे कोई आपका प्रियजन है, आपसे दूर हो गया है, आप उसे वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को करें। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए किसी की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। आपके परिवार के, आपके खुद के जैसे बच्चे हैं, भाई है, कोई भी है, आपका परिवार है, आपसे अलग हो गया है, पति है, पत्नी है, तो आप इस उपाय को करें। बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपके कोई ऐसी विश है जैसे आपको नौकरी चाहिए, आप इस उपाय को करके देखें। आपके कोई भी विश हो जैसे आपको पैसे चाहिए, आप इस उपाय को करें। पैसे हर व्यक्ति को चाहिए लेकिन मांगने का एक ढंग होता है, सोचने का एक तरीका होता है। यदि आपने सही ढंग से इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मांड से अपनी चीज मांगी, अपनी इच्छा को रखा, तो आपका काम बहुत जल्दी पूरा होता है। मांगने मांगने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप अपना काम करके देखें दोस्तों, आपको अचानक धन भी मिलेगा, आप जो चाहोगे उसे आप पालोगे। कोई भी आपका काम जो नहीं हो रहा है वो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जो धागा मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ यूज करने के लिए, यदि आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, किसी को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, तो आप ब्लू रंग का धागा यूज करें। कौन सा? ब्लू रंग का आपको धागा यूज करना है, ठीक है। यदि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, नौकरी धंधे में यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्रेस हो, आप चाहते हैं आपको धन मिले, तो आप पीले रंग का धागा यूज करें, ठीक है। यदि आप शत्रु हनन करना चाहते हैं, शत्रु का नाश चाहते हैं, कोई ऐसी कंडीशन हो आपके लाइफ में जिसे आप अपने से दूर भगाना चाहते हैं, तो आप लाल रंग का यूज करें। धागे का कलर बहुत मायने रखता है कि आप किस कलर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये उपाय दोस्तों आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिन कोई समय का इसमें कोई बाध्य नहीं कि कौन सा दिन हो, कौन सा समय ये है वो है, नथिंग। जब भी आपको समय मिलता है तब आप इस क्रिया को करें, ठीक है। आपको क्या करना है, धागा लाना है बाजार से और पान का एक पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऑप्शन में आप बिली पत्र का पत्ता भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी लोग ये बिलीव करते हैं पान का पत्ता, पान की लकड़ी, पीपल की लकड़ी जलाने को निषेध मानते हैं काफी लोग, तो वे लोग बिली पत्र का यूज कर सकते हैं, इनकी क्षमता बराबर है। तो आपको क्या करना है, पहले पत्ते को ले लेना है, धोकर के स्वच्छ कर लेना है और आपको अपने माप का धागा लाना है, ठीक है। उसके बाद आप पत्ते पर अपनी इच्छा लिखें, जो भी आपकी इच्छा है आप उसे पत्ते के ऊपर लिख दें। और जो धागा आप लेकर आए हैं उस धागे को आप अपने पैर के नीचे दबाएं, बिल्कुल अपनी साइज, जितना भी आपकी साइज है आप अपने माप का धागा ले लें, बिल्कुल कट टू कट आपका माप बराबर होना चाहिए, कम या ज्यादा धागा आपको नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको उस धागे में उतनी गांठें लगानी है जितनी आपकी एज है। यदि आप 18 साल के हैं 18 गांठें लगा लें, आप 21 साल के हैं तो 21 गांठें लगाएं, जितनी भी आपकी एज है आप उतनी गांठें लगा लें। इन केस कोई ऐसा हो जिसे अपनी एज का पता ना हो तो वे लोग सिर्फ 3 गांठें लगाएं, सिर्फ 3 गांठें, ठीक है। उसके बाद उस धागे को आपको उस पत्ते को पहले रोल कर लेना है, बिल्कुल ऐसे गोल गोल करके आप उसे रोल कर लें,
रोल करके आप उस धागे को उस पत्ते के ऊपर बराबर लपेट लें। पत्ता छोटा, यदि पीपल का लेंगे तो धागा बराबर आ जाएगा, बिली पत्र का लेंगे पत्ता छोटा पड़ेगा, कोई बात नहीं है। शुरू में आप उसको लपेटे, उसके बाद में जैसे भी वो लपेटता है आप उस धागे को अच्छे से लपेट लें, ठीक है। मतलब आपको उस पत्ते को उस धागे से कवर कर लेना है। बराबर ध्यान से आप इसको सुन लेना और समझ लेना एक एक चीज को। कलर बहुत सोच समझ करके लेना कि आपकी वांट कैसी है। किसी चीज को हटा देना चाहते हैं लाइफ से तो आप रेड कलर लेना। किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, ब्लू कलर लेना। यदि आप नौकरी धंधे में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अचानक धन चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में आप चाहते हैं आप सफल हो, आप चाहते हैं लक्ष्मी आपके पास आए, पीला कलर का आप धागा पसंद करना, ठीक है। बराबर आप उसको लपेट लेना, लपेट करके आप उसको किसी भी पात्र में रख करके जला दे। क्या करना है? जलाना है। जलाते समय जो पुरुष है वो बोले ओम नमः शिवाय, आंखें बंद करके। जितनी देर वो जलता है आप आंखें बंद करके बस बैठ जाएं, जैसे कि अब आपकी इच्छा पूरी हो गई। कंटिन्यू ओम नमः शिवाय बोलते रहे। जो लेडीज हैं वो शिवाय नमः बोलती रहे। जब तक वो जलता रहता है आप उसके सामने बैठ जाएं, बैठ करके और कंटिन्यू इस मंत्र का आप जाप करते रहे और मन ही मने सोचते रहे कि भगवान शिव आपकी इच्छा अब पूरी कर रहे हैं, कर ही देंगे। जब ये चीज जलकर राख हो जाती है तब उस भस्म को आप कोई भी फल फूल वाले पेड़ के नीचे दबा दें। आपके घर में भी यदि गमला है, तुलसी का गमला है तो उसके नीचे दबा दें, या कोई भी बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाकर के इसके भस्म को आप गाड़ सकते हैं। घर में यदि आपके गार्डन है तो गार्डन में जो भी फूल या फल वाले जो भी पौधे लगे हैं उसके नीचे आप थोड़ा सा गड्ढा करें और उसमें इस भस्म को डालकर आप उसे दबा दें। दोस्तों बहुत जल्दी कितने केस में तो ऐसा हुआ है कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उनके काम हो गए हैं, तो हो सकता है आपका काम भी बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। तो आप करके देखें क्या अनुभव होते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें, फोन करके पूछें। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।